और इस बीच बता दें कि केरल से मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद का कल देर रात निधन हो गया। ई अहमद का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। हालत बिगड़ने की खबर के बाद देर रात सोनिया गांधी और राहुल ई अहमद से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। कल राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण के दौरान ही ई अहमद को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत वहां से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था। 78 साल की अहमद केरल के मालापुरम लोकसभा सीट से सांसद थे। अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। मनमोहन सिंह की सरकार में वे विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके थे।